अब बात कर लेते हैं खास मैराथन की। दिल्ली में सिखों की मैराथन का आयोजन किया गया और इसकी अगुवाई 112 साल के बुजुर्ग ने की, जिनका नाम 100 से ज्यादा मैराथन दौड़ने के लिए दर्ज है। बड़ी बात यह है कि 100 साल की उम्र में इन्होंने दौड़ पूरी कर अपना नाम सबसे उम्रदराज मैराथन धावक के तौर पर दर्ज कराया है। सुपर सिख वैसाखी मैराथन 2023 का इस मैराथन की थीम रखी गई से नो टू ड्रग्स एंड फिट इंडिया। इस मैराथन की अध्यक्षता की 112 साल के फौजा सिंह ने। फौजा सिंह अपने में ही एक सुपर सिख है और कई मैराथन में भाग ले चुके हैं। अमृत महोत्सव और वैसाखी को लेकर सिखों का ये जोश इन्हें दिल्ली की सड़कों पर ले आया, जहाँ से देश के लिए एक संदेश दिया गया। इस संदेश में स्वस्थ भारत की कामना है तो फिट इंडिया की मुहिम भी, जिसके लिए मैराथन में बच्चे, किशोर, जवान और बुजुर्गों ने खुद को आजमाया। युवाओं को नशे के प्रति भी जागरूक करने का लक्ष्य इस मैराथन में रखा गया। इसे नाम दिया गया सुपर सिख मैराथन 2023, जिसकी अगुवाई 112 साल के बुजुर्ग फौजा सिंह ने की, जो 100 से ज्यादा मैराथन में दौड़ने के लिए जाने जाते हैं। इसमें उनका साथ देने के लिए राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी भी शामिल हुए। इसके अलावा सैकड़ों सिखों के साथ दूसरे लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर फौजा सिंह ने साफ कहा कि युवाओं को खुद के लिए जागरूक होने की जरूरत है, उन्हें खुद से प्यार करने की जरूरत है। नौजवानों ने मैं ये कहना चाहूंगा, सेहत के अलावा वो चीज कोई चंगी नहीं, अपना सेहत कायम रखो, दौड़ो भजो, शरीर ना प्यार रखो, शरीर ना। नौजवानों ने यही कहना, कोई वादू चीज ना खाओ, रोटी खाओ, दूध पियो, घी खा लो। नौजवानों को कहना, दौड़ो भजो, तानू बुरे कमारा तानू कोई नहीं सकता। फौजा सिंह की पहचान टर्बाइन टॉर्नेडो के नाम से है। इन्होंने 1994 से दौड़ना शुरू किया और बड़ी बात ये कि 100 साल की उम्र में भी इन्होंने मैराथन में जब हिस्सा लिया तो दौड़ पूरी की। ऐसा करने वाले ये सबसे उम्रदराज शख्स हैं। इस आयोजन को लेकर सांसद विक्रमजीत का साफ कहना है कि ऐसे आयोजन हमें नई ऊर्जा देते हैं और हम अपने इतिहास से सीखते हैं। आज फौजा सिंह भी आए हैं, जो 112 साल के मैराथन रनर है। उन्होंने भी ये कहा कि अगर आप दौड़ोगे, फिजिकल फिट रहोगे और फिर आप नशों से दूर रहोगे, क्योंकि पंजाब में भी पहले पहलवानी, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी और नौजवानों को हमें जो जैसे फिट इंडिया का प्रोग्राम है और उसमें हमें प्रेरित करना है, और अगर वो फिट रहेंगे तो फिर फिटनेस की तरफ, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ही ध्यान रहे। मैराथन में हिस्सा लेने वाले इससे खासे खुश नजर आए। कितने साल? 15। कितने कितने किलोमीटर के मैराथन में दौड़े? 5। 5 किलोमीटर। सुबह कितने बजे आ गए? मैं 7:40, 7 बजे, मतलब 6:30 बजे। अगर एक संदेश देना हो दुनिया को तो बस अपने ऊपर ध्यान दो, किसी के ऊपर फिक्र मत करो, क्योंकि अपनी लाइफ है, अपने आप जियो, जो पसंद है वो ही करो। मैंने 4 किलोमीटर, मैं बीच में डाउन हो गई थी। तो ये थीम है से नो टू ड्रग्स एंड फिट इंडिया, कोई संदेश देना चाहेंगे आप? ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स, इससे बॉडी भी खराब होती है और हेल्दी भी नहीं रहते हम। दौड़ना कितना जरूरी होता है सुबह सुबह? 3 किलोमीटर डेली। डेली? यस। आप दौड़ती हैं? यस, वॉक करती हूँ। ऐसे आयोजन का मकसद युवाओं में नई ऊर्जा भरना है, साथ ही उस नए हिंदुस्तान को नई उम्मीदें देना है, जो देश की जरूरत के मद्देनजर कुछ नया कर सके और देश को कुछ नया दे सके। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।